ए बी सी डी। हमने मान लिया कि सपोज स्ट्रिंग बिकम स्लैक एट पॉइंट डी, तो पॉइंट डी पर स्लैक हो जाती है। अच्छा, ये एंगल थीटा मत लो, इसको लो थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से पूछा है, वर्टिकल से। अपवर्ड वर्टिकल से कितना एंगल बनता है, एंगल ही पूछा है ना पार्ट ए में। सी में पूछा था फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेकिन हमको बाकी चीज़ें भी सॉल्व करनी पड़ेगी उससे निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम थीटा निकालते हैं जहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक होती है। स्लैक होने का मतलब क्या है, एट डी टेंशन ज़ीरो। यहाँ पर वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, वी डी के बराबर है, ठीक है। दिव्यांशु अपने सारे हथियार लेके तैयार हो जाओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाला है, लगाने वाले हैं हम लोग। तो एट टेंशन टी ज़ीरो हो गया, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई थी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई थी अंडर रूट 57 जी एच, या बस इतना ही था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए। यहाँ पर स्पीड कितनी है, वी डी के बराबर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट यानी पॉइंट डी पर ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल हमने इसी को मान लिया, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम अंडर रूट 57 का स्क्वायर इक्वल टू, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी पता है आपको कितनी है आर, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये थीटा था तो ये भी थीटा है, तो ये आएगा आर कॉस थीटा, तो ये आर प्लस आर कॉस थीटा, तो एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से लिख लें इसको, सबका एम उड़ा दो, सबका एम उड़ा दिया, 57 बाई 2 इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2 इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अननोन दो हो गए, एक थीटा नहीं मालूम एक वी डी नहीं मालूम। अननोन क्वांटिटीज़ कितनी हैं, दो हैं, अपार अननोन कितने हैं। हाँ, इन्वॉल्व रहो तुम, एलिनेट मत होते जाओ क्लास से, इधर देखो देखते रहो। सही बात है, तुम लोगों को यार सम्मान देने की आदत नहीं है, इसको जी के साथ लिखना चाहिए। अब हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वेशन, या देखो भाई इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना देते हैं तो एक फोर्स लग रहा है mg, mg का एक कंपोनेंट कितना हुआ mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ठीक है। अगर यहाँ टेंशन होता d पॉइंट पर, तो टेंशन होता तो हम इसकी इक्वेशन लिखते td प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी डी स्क्वायर बाई आर ही लिया है ना हमने, कि एल लिया है इसमें, आर ही है, लेकिन यहाँ पर टेंशन कितना हो गया है, ज़ीरो। टेंशन जस्ट ज़ीरो हुआ है, हमने ये मान लिया है कि थीटा एंगल पर स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हुआ, स्ट्रिंग स्लैक हुई है यहाँ पर आके, स्लैक होने का मतलब टेंशन ज़ीरो। ये समझ में आया कि नहीं, ये इक्वेशन किससे लिखी है हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ से, नेट फोर्स एम जी कॉस थीटा प्लस टेंशन। रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे थे, एक टेंशन था और एम जी कॉस थीटा था, दोनों फोर्स मिलके क्या देते हैं, ये सेंट्रिपिटल फोर्स, मास इंटू एक्सलरेशन एम इंटू वी डी स्क्वायर बाई आर, लेकिन टेंशन तो जस्ट जीरो हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम कर देते हैं ज़ीरो, ख़त्म।
ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पार्ट ए में थीटा पूछा है ना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं वी डी को। तो वी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं यहाँ से, एम से एम कैंसिल, वी डी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। तो मेरे देश के वीर जवानों, वी डी स्क्वायर की वैल्यू रख के डायरेक्ट थीटा बता दो कितना आ रहा है, हाँ इतनी अच्छी वैल्यू आ रही है, परफेक्ट। फिफ्टी सेवन बाई टू इक्वल टू, आर भी दिया है क्या क्वेश्चन में, 1.5। अच्छा तो काम हो गया, आर इन टू वन प्लस कॉस थीटा इन टू जी प्लस वी डी स्क्वायर की वैल्यू आर जी कॉस थीटा बाई टू। कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ इंक्लूड हो गया ना इसमें, तो 57 बाई टू इक्वल टू आर बोलो 1.5 और जी की वैल्यू 9.8 लेनी है कि 10 प्लस 1.5 इंटू 10 कॉस थीटा बाई टू। सॉल्व करने पर कॉस थीटा कितना आया, नहीं नहीं कॉस थीटा 50 कितना 3/5 implies that theta equal to 53 degree। प्रथम अध्याय समाप्त। आंसर किसका आ गया, ये ए का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो स्पीड भी निकल आएगी, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो स्पीड भी निकालेंगे। तहसीम तुम सॉल्व करके आए हो क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, भूल गए तो कुछ सजा भी मिलनी चाहिए। कॉस 53 कितना होता है, तो ये 9 और वी डी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। द्वितीय अध्याय समाप्त, आंसर बी। अब भाई ये देखो इसमें वैल्यूज़ बड़ी अच्छी दी थी यार, है ना, अंडर रूट फटाफट निकलते आए, वैल्यूज़ ऐसी मिलनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पूछा जाए क्वेश्चन में। कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यहाँ से बॉडी का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा, स्ट्रिंग से कांटेक्ट ख़त्म, तो स्ट्रिंग से लगने वाला, स्ट्रिंग से कांटेक्ट ख़त्म नहीं, यहाँ पर टेंशन ख़त्म, तो जब टेंशन ख़त्म हो गया तो स्ट्रिंग से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल विल मूव अलॉन्ग ए पाथ विच इज़ प्रोजेक्टाइल। तो जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होता था वो होगा, तो मैं इसको मिटा दूं और इनकी जो वैल्यूज़ का हम आगे यूज़ करेंगे वो तुमको पता ही है कितनी कितनी आई है। अब देखो इसमें सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पर ये तो था डी पॉइंट और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन चला, जब ये डी पॉइंट से पार्टिकल टेंशन लूज़ करता है तब ये एंगल कितना है, या देखो इधर देखो आदित्य बात नहीं करो, ये थीटा कितना आया 53, ये कितना होगा 37, ये कितना है 53, तो ये एंगल यहाँ है 53 डिग्री और ये वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड जो भी हमने कैलकुलेट की है। अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला एच मैक्सिमम हम पढ़ते थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो यू स्क्वायर यहाँ पर वेलोसिटी है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू साइन 53 का स्क्वायर अपॉन 2 और जी की वैल्यू 10, तो इससे कितना आता है 9, साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर 16 और ये 2 इंटू 10 कितना आया
1.2. हाँ चलो करो, इसको डेसिमल में मत निकालो, वैसे निकाल लो कितना रहा है रैशनल नंबर में, कितना 36 by 125 यूनिट मीटर, इतना ही है। अच्छा अब इसमें देखो लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, वो पूछ क्या रहे हैं, उन्होंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी। तो अभी जो हाइट आई वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नहीं आई है, मैक्सिमम हाइट कहाँ से आई है, ये निकाली है हमने यहाँ से मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट निकाली हमने, मान लो पार्टिकल यहाँ तक गया एच मैक्स, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी आर कॉस थीटा। तो हमारा आंसर होगा आर कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, निकालो कितना आ रहा है, आर कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, इसकी वैल्यू चेक करूं कितनी है, आर मालूम है 1.5, कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है, थीटा 53 डिग्री है, एच मैक्स ऐड करो भाई, कितना, इसको डिवाइड कर दो, आर कॉस थीटा, आर था 1.5, कॉस थीटा 3/5 प्लस 36 कर लो अब सॉल्व इसको। वन पॉइंट वन एट एट अप्रॉक्सीमेटली 1.2, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दो, अब एक और छोटा सा फैक्ट याद रखना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये डिस्टेंस कितनी थी, 1.5 थी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट छूटा तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रह गई, 1.2, यानी 1.5 के नीचे ही है ये। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट छूटेगा और जब इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो इस सर्कल के नीचे रहेगा, ऊपर से नहीं जाएगा ये, आई बात समझ में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता है तो अगर ये जिस सर्कल को फॉलो करता उस सर्कल के नीचे से जाएगा ये, उसके ऊपर से नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, ये याद रखना। चलो और कोई डाउट है क्या इसमें।